दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्मार्ट सिक्योरिटी विजन पर। मैं सुमित मल्लैन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो आपका आई बोल का राउटर है उसको हमने उसमें रिपीटर उसको रिपीटर का यूज में हम उसको यूज लेना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। इस सिस्टम के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि आपका जो राउटर है वो आपको उसको डिफॉल्ट करना होगा। यदि आपने पहले सेटिंग उसमें करी हो तो आपको डिफॉल्ट करना है। डिफॉल्ट करने के बाद जो आगे का प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। तो डिफॉल्ट करने के बाद आपको सबसे पहले वाईफाई को कनेक्ट करना है उसको। तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे आया हुआ है आई वोल्ट टू। आपको इसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको कोई भी जो ब्राउजर है उसको ओपन करना है। हमारा जो वाईफाई वो कनेक्ट हो चुका है, आपको सिंपली यहाँ पे आईपी डालनी होगी राउटर की। वो आपकी डिफॉल्ट आईपी रहती है 192.168.1.1, ये आपको डालने हैं। डालने के बाद आपको सिंपली इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको ये लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, तो लॉगिन पासवर्ड आपको इसमें मिलेगा एडमिन। आपको एडमिन डालना है। एडमिन डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये सिंबल आ जाएगा। ये होने के बाद आपको यूजर नेम डालना है। यूजर नेम कोई भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एडमिन डाल देता हूँ। एडमिन डालने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है, कोई पासवर्ड डाल देते हैं। आपको सर्वर नेम को छोड़ देना है दोनों को। फिर आपको यहाँ पर कोई भी SSID कोई भी नाम चूज करना है, मैं यहाँ पर आई बोल रहने देता हूँ। फिर आपको पासवर्ड डालना है, वाईफाई पासवर्ड आपको डालना है। यहाँ पे वाईफाई पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको सिंपली सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको जो सेटिंग है वो हो जाएगी। जाने के बाद आपको जो वाईफाई वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट होने के बाद आपको दोबारा से वाईफाई को कनेक्ट करना है। हमारा जो वाईफाई था वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, हम उसको दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट हो चुका है, दोबारा से इसको ओपन करते हैं उस आईपी को। ओपन करने के बाद आपको ये सिंबल दिखाई देगा। फिर आपको आना है ऑपरेशन मोड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। करने के बाद आपको इसमें 3-4 सिंबल मिलेंगे, इसमें आपको क्लिक करना है यूनिवर्सल रिपीटर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको आसपास के जो वाईफाई हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको जो भी आपका वाईफाई इसको चूज करना है, जैसे मेरी ये वाईफाई है तो मैं इसे ये चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद आपको वाईफाई का पासवर्ड डालना है, जो आपका दूसरा वाईफाई है उसका आपको पासवर्ड डालना है। सिंपली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। आपका जो राउटर है वो रिस्टार्ट होगा। दोबारा रिस्टार्ट होने के बाद आपका जो वाईफाई वो कनेक्ट कनेक्ट हो जाएगा आपस में, रिपीटर आपका ये बन जाएगा। तो सिंपली हमारा जो राउटर है वो रिस्टार्टिंग हो रहा है अभी। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो वाईफाई वो हो चुका है अभी। हम दोबारा से वाईफाई को कनेक्ट करते हैं। वाईफाई को हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करके हम चेक करते हैं अब कि हमारा जो इंटरनेट है वो अभी चला या अभी नहीं चला है, तो हम देख लेते हैं अभी। सिंपली आप देख सकते हैं जो हमारा इंटरनेट है वो इंटरनेट एक्सेस हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वाईफाई वो कनेक्ट हो चुका है अभी।
मैंने इसको लैन के थ्रू कनेक्ट किया है, किसी कारण से ये वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अब देख सकते हैं हमारा जो इंटरनेट है वो अभी चल चुका है इसमें, तो मैं यूट्यूब चला के देख लेता हूँ एक बार। तो अब देख सकते हैं हमारा जो यूट्यूब है वो अभी चल चुका है इसमें, इसमें जो इंटरनेट है वो अभी यूज हो रहा है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।